आप जो अपनी स्क्रीन पर ये कीबोर्ड देख पा रहे हैं, मैंने इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू का वीडियो पहले ही बना दिया है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मैंने उस वीडियो में आपको यह कहा था कि मैं बहुत जल्द आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आने वाला हूं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने फोन को अपने कीबोर्ड के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो लीजिए, वो वीडियो हाजिर है जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपने फोन को कीबोर्ड के साथ में कनेक्ट करेंगे और क्या क्या कंडीशंस हैं जिसके सहारे आप अपने फोन को कीबोर्ड के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि आजकल बहुत से घर ऐसे हैं जहां पर कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स नहीं है, लेकिन वहां के जो स्टूडेंट्स हैं वो टाइपिंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे गवर्नमेंट और प्राइवेट एग्जाम है जहां पर टाइपिंग आपको आना बहुत जरूरी है और वहां पर भी एक स्पीड के साथ में टाइपिंग होती है। लेकिन अगर आपके पास में कीबोर्ड नहीं है तो आप टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसी लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने फ़ोन को कीबोर्ड के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं जिससे कि आप अपनी टाइपिंग की जांच भी कर पाएं और प्रॉपर्ली आप टाइप भी कर पाएं। अगर आपके पास में कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप अपने फ़ोन के साथ भी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसा देख सकते हैं ये मेरे सामने कीबोर्ड है और मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप इसे फोन के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए कंडीशन सबसे पहली यह है कि आपका फोन OTG सपोर्टेड होना चाहिए। अगर आपका फोन OTG सपोर्ट करता है तो ही आप अपने फोन को कीबोर्ड के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई और तरीका हो, लेकिन मुझे तो यही तरीका पता है। आप YouTube पे और सर्च कर लें कि किस तरह से आप पहचान सकें कि आपका फोन OTG सपोर्टेड है या नहीं है, या किस तरह से अगर आपका फोन OTG सपोर्टेड नहीं है तो भी आप उसे किस तरह से कीबोर्ड के साथ में कनेक्ट करें, ये सब आप एक बार YouTube पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं तो आपको नॉर्मल बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने कीबोर्ड को फोन के साथ कनेक्ट करें। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो OTG है ये मेरे पास में है, तो इस और ये जो मेरे पास में है ये एक टैबलेट है जो कि स्पेयर पड़ा हुआ था मेरे घर में, तो मैं उसी से ही आपको एक बार कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस जगह पे जहाँ पर इसका चार्जिंग का पॉइंट होता है, यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया है कुछ इस तरह से, और इसे मैंने जो इसके कीबोर्ड का USB है, और आपका USB कीबोर्ड होना चाहिए, तो मेरे पास में ये USB कीबोर्ड है, तो इस तरह से मैंने इसे यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से कनेक्ट हो गया है, तो अब मैं एक बार इसे खोल लेता हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं इसे एक बार मैसेजेस में जाकर के कुछ टाइप कर लेता हूँ या तो, जिससे आप प्रॉपर्ली समझ पाएं, ठीक है। और मैं कुछ ऐसे ही टाइप करके आपको दिखाऊंगा, बस इतना दिखाऊंगा कि ये कीबोर्ड और फोन आपस में कनेक्ट हो चुके हैं और आप इस कीबोर्ड के ऊपर जो भी आप लेटर्स टाइप करेंगे, जैसे मैं कुछ यहाँ पर कर लेता हूँ, वो यहाँ पर इस फोन पे विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस जगह पे टाइप हो रहा है, मैं इसे थोड़ा यहाँ पर कर लेता हूँ यार टाइप, है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने पी दबाया है सबसे पहले, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पी आ गया है, ऐसे मैंने यहाँ पर कुछ भी टाइप कर दिया है, मैं बिना देखे ही टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, मान लीजिए अगर मैं कैप्स लॉक दबाना है और कैपिटल लेटर्स में टाइप करना है, तो ये मैंने कैप्स लॉक दबा दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप्स लॉक मैंने दबा दिया है, और यहाँ पर लाइट भी जल चुकी है, यानी कि कैप्स लॉक दब चुका है। तो अब मैं कुछ कैपिटल में टाइप कर लेता हूँ, जैसे के मैंने टाइप किया है वो कैपिटल में आया है, और स्पेस वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्पेस दे दिया है और फिर आगे कुछ टाइप कर रहा हूँ, और ये है बैक वाला बटन, यहाँ पर मैं इसे बैक कर लेता हूँ, यानी ये सारा मैंने इसे हटा दिया है। तो इस तरह से आप अपने कीबोर्ड को अपने फ़ोन के साथ में प्रॉपर्ली कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपको मान लीजिए टाइपिंग का काम है या फिर आप ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं लेकिन आपके पास में कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो फ़ोन के ऊपर लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसीलिए आप फ़ोन को कीबोर्ड के साथ में कनेक्ट करके और वो सब काम कर सकते हैं। तो चलिए, आपको मेरे को लगता है कि ये वीडियो समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको पसंद भी आया होगा, डेफिनेटली आपकी कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है कि हम नेक्स्ट वीडियो को जल्द से जल्द आपके सामने लेके आएँ। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, लाइक करना फ्री है, शेयर करना एकदम फ्री है। तो सब्सक्राइब करने के लिए, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, वहाँ उसे आप दबा दें और पासी का बेल आइकन भी आप दबा दें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए, इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और ऐसे ही आगे के वीडियोज पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो आपको क्या करना है पता ही है। तो चलिए, इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। उम्मीद है बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही देखते रहिए।